साइटवर्ड्स को लर्न करने से आपकी रीडिंग स्मूथ एंड फ्लुएंट हो जाती है हाय, लेट्स लर्न अनदर सेट ऑफ टेन न्यू साइट वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट ट्वेल्व नाउ प्लीज रिपीट आफ्टर मी वुड कुड शुड फाइंड

फ्यूचर इन पास्ट बहुत अजीब लगता है सुनने में इसका मतलब जैसे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है लेकिन हमने बात करी थी पास्ट में और फ्यूचर के बारे में आने वाले टाइम के बारे में बात करी पास्ट में एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा अभी आगे एग्जाम्पल भी समझाऊंगी नेक्स्ट मतलब होता है इसका अनरियलिस्टिक और इमेजनरी सिचुएशन को बताने के लिए जैसे हम कुछ विश कर रहे हैं कि ऐसा होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है नेक्स्ट मीनिंग है इसका टू आस्क समबडी पोलाइटली किसी से कुछ प्यार से कुछ पूछना हो आराम से पोलाइटली कुछ पूछना हो तब भी हम वुड वर्ड का यूज करते हैं नेक्स्ट कुड कुड के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं फर्स्ट मीनिंग इज पास्ट एबिलिटी पास्ट में मैं ऐसा कर सकता था मैं ऐसी कर सकती थी पास्ट की अपनी एबिलिटी अपनी क्षमता बताने के लिए कि मैं ऐसा कर सकता था उसमें भी हम कुड का यूज़ करते हैं नेक्स्ट मीनिंग होता है इसका पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर फ्यूचर में आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है उसके लिए भी कुड वर्ड यूज़ होता है और नेक्स्ट मतलब होता है इसका टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से प्यार से कोई रिक्वेस्ट करना किसी को पोलाइटली कुछ कहना उसके लिए भी हम कुड वर्ड का यूज़ करते हैं नेक्स्ट शुड शुड के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं फर्स्ट मीनिंग इज़ फॉर एडवाइस और सजेशन जैसे किसी को सलाह देना उसके लिए हम शुड वर्ड का यूज करते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ एक्सपेक्ट करना कि ऐसा हो सकता है लाइक ही शुड कम ओवर उसको आना चाहिए हमने हमें पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद कि वो उसको आना चाहिए ही शुड कम ओवर नेक्स्ट फाइंड फाइंड मीन्स टू डिस्कवर ढूंढना माइंड माइंड के भी टू डिफरेंट मीनिंगस होते हैं एक होता है एक माइंड uh, मीन्स वो ऐसा हिस्सा आपके ब्रेन का अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच थिंग्स और फील्स और टेक्स डिसीजन फॉर यू हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फील करता है जो डिसीजन लेता है उस हिस्से को उस पार्ट को हम माइंड कहते हैं नेक्स्ट मतलब होता है टू फील अपसेट बुरा मानना उसके लिए भी हम माइंड वर्ड को यूज करते हैं नेक्स्ट वंस वंस के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं फर्स्ट मीनिंग इज वन टाइम वन टाइम एक बार जैसे फिनिश इट एट वंस एक ही बारी में फिनिश करो नेक्स्ट मीनिंग होता है कोई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ पुराने टाइम में कुछ ऐसा हुआ उसको अगर आपने किसी को अभी बताना है लेकिन आपको याद नहीं है वो किस दिन हुआ किस टाइम पे हुआ वो दिन डे टाइम आपको याद नहीं पर हाँ कुछ हुआ था अगर आपने अभी किसी को बताना है तो उसके लिए भी आप वंस यूज करते हो लाइक वंस इट लाइक दैट वंस ऐसा कुछ हुआ था वंस देर वॉज अ थर्स्टिक्रो एक बार एक प्यासा कौआ था तो किस दिन था किस टाइम पे था वो नहीं याद पर एक बार पहले पास्ट में कभी था नेक्स्ट डाउन डाउन मीन्स नीचे Push. Push means धक्का देना धकेलना only. Only means सिर्फ या केवल ओनली का मतलब वन नहीं होता इसको याद रखना हम जैसे कहते हैं ओनली टू बिस्किट्स आर लेफ्ट इन द प्लेट प्लेट में सिर्फ दो बिस्किट्स रह गए हैं सो so, दो एक नहीं है टू बिस्किट्स वन नहीं है तो ओनली का मतलब वन कभी नहीं होता ओनली मीन सिर्फ केवल नेक्स्ट रेडी रेडी मीन्स प्रिपेयर और डन तैयार रेडी नाउ लेट्स रीड सम सेंटेंसेज यूजिंग द साइट वर्ड्स विच वी हैव जस्ट डन अब इन सेंटेंसेज में और इस वीडियो में मैं कोई भी वर्ड ऐसे धीरे धीरे करके नहीं रीड करूंगी क्योंकि अब तक आपको रीडिंग काफी आ चुकी है ये लिस्ट ट्वेल्थ तक हम पहुंच चुके हैं सो so, अब हम थोड़ी सी फास्ट रीडिंग करेंगे अरुण सेट ही वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग अरुण सेट He would go for a walk in the evening. अरुण ने कहा था he would go, वो जाएगा कहाँ पर walk के लिए वो जाएगा walk के लिए इन द इवनिंग शाम को वो वॉक पर जाएगा अरुण ने ऐसा कहा था सेड मतलब पास्ट में कहा था और इस सेंटेंस में वुड का मतलब आ रहा है कि फ्यूचर की बात करी थी पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में अरुण ने पास्ट में कहा था फ्यूचर के लिए कि वो शाम को पार्क में वॉक करने जाएगा या कहीं पे भी वॉक करने जाएगा फ्यूचर की बात तो यहाँ पर वुड को हमने फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ किया नेक्स्ट इफ आई हैड अ कार आई वुड यहाँ पे साइलेंटी स्ट्रक्चर यूज हुआ है ड्र आईव ड्राइव अराउंड द वल्ड इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव अराउंड द वल्ड अगर मेरे पास कार होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती वुड इसका मतलब यहाँ पर हम नॉन रियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं इमेजनरी सिचुएशन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होती हो सकता है मेरे पास अभी कार नहीं है पर अगर होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती उस कार से उस कार में बैठ के तो ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं विश कर रहे हैं नेक्स्ट कुड यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड दिस प्लेस ये वर्ड को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कोई भी वर्ड जिसमें लास्ट में ई e होता है वो हमेशा साइलेंट होता है लास्ट का लेटर ई e हम कभी रीड नहीं करते और इसमें साइलेंट ई e रूल हुआ ये ए बोलेंगे और सी के बाद जब ई e आता है तो सी को हम एस की तरह पढ़ते हैं ये भी हमने समझा हुआ है प्लेस प्लेस कुड यू प्लीज हेल्प मी टू फाइंड दिस प्लेस क्या तुम मेरी मदद करोगे ये प्लेस ये जगह ढूंढने में तो यहाँ पर कुड का वर्ड यूज़ किया है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसी को प्यार से आराम से किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो पूछ रहे हो कि क्या प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे मदद करोगे ये जगह ये एड्रेस ढूंढने में नेक्स्ट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस Mistakes, mistakes. You should learn from your mistakes. तुम्हें सीखना चाहिए अपनी ही गलतियों से तुम्हें सीखना चाहिए यहाँ पर शुड वर्ड हम किसी को एडवाइज़ कर रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलतियों से खुद सीखना चाहिए यानी कि कोई दूसरा आके आपको सिखाए कि देखो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं अपनी गलतियों से खुद सीखो और दोबारा गलतियाँ रिपीट मत करो आई Want to go there once more? I want to go there once more. मैं वहाँ फिर एक बार और जाना चाहता हूँ मैं वहाँ एक बार और यहाँ पर वंस का मतलब आया वन टाइम वन टाइम एक बार और मोर मतलब और एक बार और जाना चाहता हूँ देयर वहाँ वंस आई

और यहाँ पर आया कि पास्ट में वंस आई सॉ एक बार मैंने देखा था लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में वंस का मतलब बता रहा है कि आपको याद नहीं है कि किस दिन किस टाइम पे क्या डेट क्या टाइम था बस एक बार कभी आपने देखा था एक छोटा लिटिल बर्ड हॉपिंग कूदता हुआ अपने गार्डन में मैंने अपने गार्डन में एक छोटा सा बर्ड कूदते हुए देखा था वंस एक बार की बात है पास्ट में कभी नेक्स्ट He only drinks coffee. He only drinks coffee. वो सिर्फ कॉफी पीता है वो सिर्फ कॉफी पीता है Only means सिर्फ केवल Next, are you ready for the party? Party. Are you ready for the party? No, आई एम नॉट रेडी येट नो आई एम नॉट रेडी येट क्या तुम पार्टी के लिए रेडी हो नहीं मैं पार्टी के लिए अभी तक येट मतलब अभी तक रेडी नहीं हूँ नहीं मैं अभी तक पार्टी के लिए रेडी नहीं हूँ नेक्स्ट प्लीज़ पुश इन योर चेयर

अंदर की तरफ धकेलो पुश करो चाहे पाँच मिनट बाद आप वापस आ जाओ लेकिन मैनर्स ये कहते हैं कि हमेशा चेयर को अंदर पुश करके धकेल कर तभी उठो तभी जाओ टेबल छोड़ कर लास्ट वन इज़ आई फेल डाउन एंड हर्ट माई नी इस वर्ड में के साइलेंट है और किसी भी वर्ड में जिसमें के और एन साथ में होते हैं तो के हमेशा साइलेंट होता है इसको हम पढ़ेंगे ई नी नी मतलब घुटना हम के लिखेंगे लेकिन साइलेंट है आई फेल डाउन मैं गिर गया एंड हर्ट माई नी और मेरे घुटने पे चोट लग गई नाउ दीज वर देंटेंसेस फ्रॉम लिस्ट नंबर ट्वेल्व Please watch this video again and repeat all the sight words of list 12 and repeat all the sentences also. Bye bye for now.